शिवपुरी टनल से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालते हुए। उत्तराखंड के टिहरी जिले में देर रात हुई भारी बारिश के कारण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की शिवपुरी टनल में पानी भर गया। इस दौरान वहां काम कर रहे करीब 114 मजदूर और इंजीनियर टनल में ही फंस गए। टनल में करीब 4 फीट पानी भरने से वहां दहशत का माहौल हो गया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई और तब जाकर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। फिलहाल सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बता दें कि ये परियोजना प्रधानमंत्री मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट में तेजी से काम चल रहा है, लेकिन आज सुबह भारी बारिश के कारण यहां 114 मजदूर और इंजीनियर फंस गए। वहीं पुलिस ने बताया कि एलएनटी कंपनी शिवपुरी के प्रबंधक अजय प्रताप सिंह ने सूचना दी थी कि उनकी कंपनी के एडिट 2 की टनल में काम करने वाले करीब 100 लोग टनल के करीब 300 मीटर अंदर फंस गए हैं और टनल में करीब 4 फीट पानी भर गया है, जिसकी सूचना पर चौकी प्रभारी शिवपुरी मय फोर्स और जल पुलिस के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद उन्होंने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। टनल के अंदर लगातार पानी बढ़ ही रहा था, क्योंकि टनल के बाहर मलबा होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी, जिस पर पोकलैंड मशीन से मलबा हटवा कर पानी को बाहर निकाला गया। इसके बाद रेस्क्यू टीम रस्सी के सहारे वहां फंसे मजदूरों तक पहुंच पाई और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए संदीप बेलवाल की रिपोर्ट।